बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सिराज साबर और मैं आप सबको अपने YouTube चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब ने 6 माह के अंदर अडयाला जेल के अंदर रहते हुए 35 लाख रुपए का खाना खा लिया। ये खबर आजकल पाकिस्तानी मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा भी खाना खाते हैं तो ये प्राइस 15 से 2000 रुपये से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती। अगर जेल के मेन्यू की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको दाल सब्ज़ी दी जाती है, 2-4 दिन आपको गोश्त दिया जाता है और सुबह के टाइम आपको डबल रोटी दी जाती है। अगर आप इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा इसे एक्सीड कर देते हैं, यानी कि इमरान खान साहब जो हैं वो 3-4 मरतबा जो है एक टाइम का खाना खाते हैं, तो ये प्राइस मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 हज़ार रुपये बनती है। और अगर आप 6 माह का हिसाब लगाते हैं तो ये 8 से 10 लाख रुपये बनती है। आप चेक करें, अडयाला जेल के अंदर भी कोई ना कोई करप्शन कर रहा होगा। लेकिन आपको इमरान खान साहब का 35 लाख का खाना याद आ गया, आपको मरियम नवाज के 2.75 करोड़ रुपये के टायर और वो जो मैचिंग वाले पोशेज हैं वो आपको याद नहीं आ रहे, जो कि उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए बनवाए हैं। आपको सिर्फ इमरान खान साहब का 35 लाख रुपए का खाना याद आ रहा है क्योंकि वो ओपोजिशन में है, वो PDM2 की मुखालफत करता है। अगर आपको इमरान खान साहब से बहुत ज़्यादा मसला है, इमरान खान साहब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ बन रहे हैं, तो हम इमरान खान साहब को रिहा कर दें। इमरान खान साहब तो वैसे भी अपने पैसों का नहीं खाते, इमरान खान साहब तो वैसे भी फ्री में खाना खाते हैं, तो इमरान खान साहब तो कहीं से खाना खा लेंगे। लेकिन ऐसी खबरें सर्कुलेट करते हुए भी आप लोग सोचा करें, दुनिया आपका मजाक बनाती है, आप किस किस्म की खबरें लाते हैं। सबसे पहले आप इमरान खान साहब का अडयाला जेल के अंदर मीटिंग्स जो है वो उनकी बंद करते हैं, उसके बाद जो है वो आप 35 लाख रुपए के खाने की जो है वो खबरें निकाल देते हैं। आपको अपनी चहेती वज़ीर आला जो कि फेक मैंडेट लेकर आई है, उसके 2.75 करोड़ रुपए के टायर नज़र नहीं आते। यकीन मानिएगा, जग हंसाई होती है ऐसी खबरें जो हैं वो जब मीडिया के ऊपर होती है। पाकिस्तान का इमेज वैसे भी बड़ा गंदा कर दिया है इस PDM2 ने, तो आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली थोड़ा सा खुदा का खौफ किया करें। आप लोग जिम्मेदार शहरी हैं, मीडिया के लोग भी, मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप पैसों के लिए इतने बिकना जाए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि तारीख के अंदर आप लोगों का जो रोल है वो हमेशा जो है वो नोट डाउन होता है। तारीख बड़ी बेरहम है, वक्ती तो आप लोग पावर में है लेकिन बाद में आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी। आप लोगों के जो काले धंधे हैं वो ज़रूर सामने आएंगे, तो थोड़ा सा खुदा का खौफ करिएगा। आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हमारा पैगाम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अगली वीडियो के अंदर हम लोग किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।